दोस्तों BSNL को आज ज्यादातर लोग एक कंपनी की तरह नहीं बल्कि एक मजाक की तरह देखते हैं। ये वो कंपनी है जो इस वक्त 90,000 करोड़ के घाटे में है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि एयरटेल और जियो जैसे प्लेयर्स के सामने अब खड़ी नहीं हो पाएगी और शायद सरकार को इसे बंद ही कर देना चाहिए। पर लोग ये नहीं जानते कि आज से कुछ ही साल पहले BSNL की ग्रोथ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इसके प्रॉफिट आज की जियो से कई गुना बड़े थे और इसकी एक्सेसिबिलिटी या रेंज भारत के कोने कोने पर थी। पर BSNL एयर इंडिया की तरह नहीं है जो प्राइवेट प्लेयर्स के मार्केट में आने की वजह से फेल हुई, बल्कि BSNL को जानबूझकर डुबाया गया। इसमें कई लोगों का हाथ था जिन्होंने अपनी जेब भरी और भारत के टेलीकॉम सेक्टर के इस इंजन को तबाह कर दिया। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया और क्यों, ये सभी जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों पिछले साल 2021 में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी मुकेश अंबानी की जियो ने 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था जिसे देखकर लोग पागल हो रहे थे। पर क्या आप जानते हैं कि 2004 में BSNL का प्रॉफिट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा था। और अगर हम आज के रुपयों में इसकी बात करें तो आज के 29,000 करोड़ रुपए के बराबर थे, यानी उस वक्त तक BSNL आज के जियो से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी थी और लगातार सरकार का खजाना भर रही थी। सिर्फ साल 2001 से 2008 के बीच ही BSNL ने 46,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि मार्केट की अगली तीन कंपनीज के प्रॉफिट को मिलाकर भी ज्यादा था। इस वक्त BSNL के पास 70% मार्केट शेयर था और ये सब तब हो रहा था जब BSNL सब्सिडाइज रेट पर सस्ती कॉल्स लोगों को दे रहा था। तो कहानी कहां बिगड़ी? BSNL की सक्सेस का राज था कि वो भारत के कोने कोने तक अपना नेटवर्क फैलाने में कामयाब हुई थी और एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी सरकार का दखल इसमें कम ही रहता था, जिस वजह से BSNL ज्यादा फ्रीडम के साथ काम कर सकती थी। लेकिन ये सब अब बदलने लगा था। CBI द्वारा तब के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरण से टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में हुई इंटेरोगेशन की खबरें पब्लिक में सामने आने लगी। कुछ ही वक्त में ये खबर भी बाहर आई कि मरण ने BSNL के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिलकर BSNL के 323 हाई स्पीड लाइंस को अपने घर पर ही सेटअप करवा रखा है। इन हाई स्पीड लाइंस का इस्तेमाल फोन कॉल्स करने के लिए नहीं बल्कि सन टीवी नेटवर्क के कई सारे चैनल्स के सिग्नल्स अपलोड करने के लिए किया जा रहा था, जो कि मरण के ही भाई के चैनल्स हैं। तो एक तरह से प्राइवेट टीवी एम्पायर भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदे गए इक्विपमेंट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जिस कारण न सिर्फ मरण को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि सरकार भी BSNL की सभी ट्रांजैक्शंस की जांच करने लगी और BSNL पर नजर रखी जाने लगी। 2007 में BSNL की कमान ए राजा के हाथ में आ गई। ये वो वक्त था जब BSNL मार्केट पर राज कर रहा था और BSNL का प्लान था कि वो वायमिक्स टेक्नोलॉजी को देश भर में लॉन्च करेगा, जिससे कि वायरलेस डेटा ट्रांसफर काफी आसान हो जाएगा। इससे जल्दी पूरे देश को हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता था। लेकिन फिर देश के सामने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया और एक नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई। नए टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर यह आरोप लगे कि इन स्पेक्ट्रम्स को बांटने में बड़ी रिश्वत ली गई है और बहुत सी गड़बड़ियां हैं। यहां से सरकार को लगा कि BSNL में और भी कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं और उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए और हर छोटे से छोटे टेंडर पर सरकार की नजर गई। अब आपको नहीं पता कि सरकारी टेंडर वो होते हैं जिसमें सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि उन्हें कुछ काम करवाना है और जो कंपनी सबसे कम वक्त में और सबसे कम दाम में वो काम डिलीवर करने का वादा करती है उसे टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन इन छोटे छोटे टेंडर्स की जब जांच होने लगी तो इसमें BSNL का काम और ज्यादा स्लो हो गया। फिर इसके बाद इन टेंडर्स में गड़बड़ियां भी सामने आई। सरकार ने पाया कि बहुत सारी शेल कंपनीज जो जमीन पर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थीं, वो भी इन टेंडर्स की बिडिंग में हिस्सा ले रही थीं और ना सिर्फ हिस्सा ले रही थीं बल्कि उन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया जा रहा था। जबकि इसी वक्त नोकिया या टेराकॉम जैसी रेप्यूटेड कंपनीज को इस शॉर्टलिस्टिंग के पहले राउंड से बाहर कर दिया जाता था, जिससे सरकार को बाकी बची हुई कंपनीज को ज्यादा पैसे में टेंडर देना पड़ता था। ये न्यूज जब बाहर पब्लिक में आई तो CBI को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया और अब कंपनी का काम और ज्यादा स्लो हो गया। जबकि दूसरी ओर आइडिया, एयरटेल और बाकी कंपनीज ग्रो कर रही थी और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी।
2008 में लेकिन BSNL को लॉसेस से बचाने की एक और कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि 2009 में 9 करोड़ 3 लाख GSM लाइंस डालने का एक प्रोजेक्ट BSNL शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट की कीमत 1,000 करोड़ डॉलर आंकी गई, जो इसे उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोजेक्ट बना देता। ऐसा लगने लगा था कि BSNL यहां से रिवाइव कर जाएगी, लेकिन 2010 में इस काम में भी कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई। ये फिर से देखा गया कि नोकिया और ZTE जैसे बड़े प्लेयर्स को फिर से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, और अब सिर्फ बिड करने के लिए दो ही बड़े प्लेयर्स बचे थे, जो थे एरिक्सन और हुआवे। इस वजह से फिर से मार्केट में कंपटीशन नहीं था और ये मनमानी कीमत पर ये प्रोजेक्ट ले सकते थे। इस पर भी एक जांच बिठाई गई और पूरे प्रोजेक्ट को ही बाद में बंद कर दिया गया। जहां बाकी कंपनीज अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ा रही थी, वहीं BSNL के पास नए इक्विपमेंट खरीदने तक के लिए परमिशन नहीं थी और उन्हें अपने पुराने इक्विपमेंट से ही काम करना पड़ रहा था। इस सब के ऊपर से मार्केट में फिर हुई जियो की एंट्री। जियो ने एकदम से फ्री डेटा और फ्री कॉल्स देकर 3G पर चल रहे भारत को 4G में कन्वर्ट करने का एक बड़ा इंसेंटिव दिया। आपको याद ही होगा कि किस तरह से लोगों ने न सिर्फ जियो के सिम कार्ड्स खरीदने के लिए लाइंस लगानी शुरू कर दी, बल्कि 4G फोन्स भी खरीदने शुरू कर दिए थे ताकि उनमें जियो का सिम कार्ड काम कर सके। जियो की टेक्नोलॉजी भी काफी रेवोल्यूशनरी थी, जहां BSNL जैसी बाकी टेलीकॉम कंपनीज फोन कॉल्स करने के लिए सर्किट स्विचिंग मेथड का इस्तेमाल करती थी और इंटरनेट के लिए पैकेट स्विचिंग मेथड का, वहीं जियो ने इसे साथ में मर्ज कर दिया और उनकी कॉल्स भी अब पैकेट स्विचिंग मेथड से ही होने लगी, जिससे उनका डेटा ट्रांसफर होता था। इससे जियो का काफी सारा ऑपरेशनल कॉस्ट बचा और वो कम इक्विपमेंट के साथ ही ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाया। वहीं दूसरी ओर BSNL था, जो 2022 तक भी 4G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाया है। सरकार का कहना है कि BSNL 2022 के अंत तक 4G लॉन्च कर देगा, लेकिन तब तक बाकी सब प्लेयर्स 5G में शिफ्ट कर चुके होंगे। अब आप सोचेंगे कि BSNL का होना जरूरी क्यों है? इसका सीधा जवाब है, अगर BSNL होगा और बाकी कंपनीज अपना रेट बढ़ाना चाहेंगी तो उन्हें हमेशा ये खतरा रहेगा कि लोग उनका नेटवर्क छोड़कर BSNL ना इस्तेमाल करने लग जाएं। लेकिन क्योंकि आज किसी भी कंपनी को BSNL का डर नहीं है, तो सभी ने अपना 300 रुपये में 3 महीना अनलिमिटेड मिलने वाले डेटा प्लान को बढ़ाकर 800 रुपये कर लिया है। BSNL के अलावा जो कंपनीज आज मार्केट में बची हैं, वो मनमाने तरीके से अपने रेट बढ़ा सकती हैं और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पर अभी एक सवाल तो ये है कि क्या BSNL वापसी कर पाएगा? आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।